हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर फिफ्थ इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट आरबीएसई फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसका एक लेक्चर आपको दिया गया है और उस फर्स्ट लेक्चर में हमने ओनली इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंट फॉर्मूलाज रीड किए थे। कुछ मैंने एक दो न्यूमेरिकल भी उसमें कराए थे। कंटिन्यू में उसी में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास आती है जो आपको मैंने कल फॉर्मूला डिराइव किया था, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास आता है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर विद वेलोसिटी इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट। आपको यहां पर उसने ऑर्बिट की रेडियस दी है और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी है, तो आपको यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करनी है। तो यू नो I इज इक्वल टू ई वी अपॉन 2πr, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट इन फर्स्ट लेक्चर। नाउ E 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 एंड V वेलोसिटी इज 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 अपॉन 2πr 2 इंटू 3.14 इंटू R 5.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। ये आपने यहाँ पर सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको ये कैलकुलेट करने पर 1.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर करंट मिलेगी ये कैलकुलेट करने के बाद, और इसी को आप 1.08 मिली एम्पियर बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको वेलोसिटी और रेडियस ये गिवन है तो आप यहाँ पर वेलोसिटी और रेडियस का यूज करके इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी में आता है और वो क्वेश्चन है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्वेश्चन है बेटा। लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ सिल्वर रोड इज 1 meter and 10 centimeter square। ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, 1 meter and 10 centimeter square। एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर, इज 108 ग्राम 108 ग्राम इसका एटॉमिक वेट होता है एंड डेंसिटी इज 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
इफ वन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय वन एटम देन फाइंड आउट करंट फ्लोइंग पर सेकंड. पर सेकंड में कितनी करंट फ्लोइंग हो रही है ये हमें फाइंड आउट करना है. अब आपको इसने क्या क्या गिवन कर रखा है, एरिया और लेंथ गिवन कर रखी है. तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर इसका वॉल्यूम निकालेंगे. वॉल्यूम ऑफ रोड एरिया इंटू लेंथ, और एरिया 10 × 10⁻⁴ × 1, तो दैट इज 10⁻³ मीटर क्यूब. ये आपके पास एरिया आ गया. मैंने 10⁻⁴ से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर स्क्वायर में. जब आपके पास ये वॉल्यूम आ गया तो आपके पास मास आ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है. मास ऑफ रोड इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और दैट इज 10⁻³ × 10.8 × 10⁻³ / 10⁻⁶. मैंने इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया. तो ग्राम को किलोग्राम में नोट करूंगा तो 10⁻³, और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में करूंगा तो 10⁻⁶. जब कैलकुलेट होगा ये तो मेरे पास यहाँ पर ओनली 10.8 किलोग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा. अब ये मास जब हमारे पास आ गया तो हम इससे नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स निकाल लेंगे. नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स इक्वल टू 10.8 × 10³ किलोग्राम को ग्राम में नोट किया मैंने, अपॉन 108, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और 6.02 × 10³³ ये आपके पास एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहां पर बेटे ये 10 टाइम्स कैंसिल हो रहा है 10⁻² मीन्स ये सोल्व करने पर 6.02 × 10⁻²⁵ आएगा. ये 10 टाइम्स कैंसिल, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर 10⁻²⁵. ये आपके पास नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स है. वो बोल रहा है कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, गिवन करता है. तो वन इलेक्ट्रॉन अगर वन एटम प्रोड्यूस करता है, गिवन करता है, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन हमें प्रोड्यूस होंगे. नंबर ऑफ एटम जो है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए. तो करंट की जो वैल्यू है, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी, और एन हमारे पास ये हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6.02 × 10⁻²⁵, और ई 1.6 × 10⁻¹⁹, और यहाँ पर बेटे पर सेकंड निकालना है तो 1 का डिवीजन देंगे इलेक्ट्रॉन के लिए. जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 16 × 32 3 16 × 96 9.632 × 10⁶ एम्पियर, ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर लेंथ और एरिया दे रखा तो पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम और डेंसिटी का यूज करके मास निकालो, मास और एटॉमिक वेट का यूज करके मोल्स निकालो, और मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे. और फिर उसने कहा है कि वन इलेक्ट्रॉन गिवन बाई वन एटम, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से मिल रहा है तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उसके बाद आई इक्वल टू एनी अपॉन टी. तो ऐसे एक टाइपिकल न्यूमेरिकल हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट में भी
सॉल्व हो जाता है कि आप देख लें। इसके बाद आपके पास आती है इसमें करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है ये बात हमारे पास इसमें आती है बेटा, डेफिनेशन देते हैं हम इसकी। करंट डेंसिटी, तो बेटा किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो होती है तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहती है करंट। तो यहां पर ये बात है कि जैसे ये एक कंडक्टर है कोई भी ये, और हम इसमें एक इस तरीके से एक क्रॉस सेक्शन एरिया की इमेजिन करते हैं जिसका एरिया इसके परपेंडिकुलरली वेक्टर ए से यूं डिनोट किया है, और इस कंडक्टर में करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ये होगी, और इसी डायरेक्शन में आपके पास यहां पर ये वेक्टर जे आएगा। अगर हम बात करें इसमें इस एंगल थीटा की, तो यहां पर ये जो इसका कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। ये आपके पास इस एरिया का यहां पर कंपोनेंट है, और हमने इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूसिंग की बात कही, तो इसी डायरेक्शन में हमने वेक्टर जे की डायरेक्शन लिया। तो बात यह है कि करंट डेंसिटी होती क्या है। करंट डेंसिटी का मतलब है वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन या इन नॉर्मल इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। कोई भी करंट जब किसी कंडक्टर में जा रही है तो आप ये कह सकते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सो जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी को डिनोट किया जाता है बेटा जे से, जे इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया इंप्लाइज दैट जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा, और इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा। इट कैन बी राइट बाई I इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A। तो यहां से एक बात ये क्लियर होती है आपके कि करंट डेंसिटी जो होती है, यहां से इसको ये भी नोट किया जा सकता है I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A। मतलब आपके पास एक बात यहां पर निकल कर आती है कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो करंट डेंसिटी होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कंडक्टर के कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज, आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर होता है, नॉर्मल टू द कंडक्टर। तो जो वेक्टर जे है उसकी डायरेक्शन एक तरीके से नॉर्मल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर होती है। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखनी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी की अगर हम यहाँ से यूनिट देखें तो यूनिट हमारे पास होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी
इंच एम्पियर पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम जीरो एल माइनस टू टी जीरो ए वन, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, और आपसे कोई भी पूछे कि करंट की डायरेक्शन किस फॉर्म में होती है, तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होती है। उसके अलावा आप इसका यूज करके करंट निकाल सकते हो, और अगर एरिया एलिमेंट दे रखा है तो इन द केस ऑफ एरिया एलिमेंट, इन द केस ऑफ एरिया एलिमेंट I इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर J डॉट वेक्टर dA, ये किस कंडीशन में बेटा, जब आपको एरिया एलिमेंट दे रखा है तो आप J डॉट वेक्टर dA का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और अगर एरिया एलिमेंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट ही J इंटू A आप यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास यहां पर बन जाता है, आपके करंट की वैल्यू पूछ ले जब आपको एरिया एलिमेंट और करंट डेंसिटी दिया है। द करंट डेंसिटी इन अ कंडक्टर इज वेक्टर J इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इफ एन एरिया वेक्टर A इक्वल टू 4j कैप मीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट then what is value of current flowing through it तो इसमें ये आपके पास यहां पर I is equal to वेक्टर J डॉट वेक्टर A, ये आप लेंगे, आपको वेक्टर J की वैल्यू दे रखी है 3i के प्लस 2j के, और डॉट वेक्टर A की वैल्यू 4j के। आप जानते हैं बेटे i के डॉट j के 0 होता है, ये 12 i के डॉट j के प्लस 8 j के डॉट j के, यहां पर 12 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1, और आपके पास ये हो जाएगा 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 एम्पियर, दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट व्हेन द करंट डेंसिटी इज गिवन बाय दिस। ओके, इसके बाद आपके पास इसमें आता है बेटा थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी हीट एनर्जी के कारण उस कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। इनकी सबकी अपनी एक मूवमेंट वेलोसिटी होती है, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, थर्मल वेलोसिटी। किसी भी कंडक्टर में, चाहे मेटालिक रोड हो, चाहे कोई भी आयरन रोड हो और ब्रास रोड हो या जिंक रोड हो, ये सब जो मेटालिक है, इन मेटालिक में, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू मोशन में रहते हैं, और वो किसके कारण रहते हैं, उनकी ओन खुद की
ऑन हीट एनर्जी के कारण वो मोशन में रहते हैं, उस वेलोसिटी को जिससे वो मोशन करते हैं उसको हम थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। यानी हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं, इन ईच कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन इरेगुलर मोशन। ये इरेगुलर करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, मतलब इनकी डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन नहीं होती है। जब डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन नहीं होती, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होने के कारण भी करंट फ्लो नहीं होती है जब तक कि हम उस कंडक्टर पर सोर्स अप्लाई न करें। मतलब ये जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन तो करेंगे, लेकिन जैसे कोई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, किसी की इस डायरेक्शन में होगी, किसी की इस डायरेक्शन में होगी, किसी की इस डायरेक्शन में होगी, किसी इलेक्ट्रॉन्स की इस डायरेक्शन में होगी, किसी इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में होगी, इस तरीके से इरेगुलर मोशन या रैंडम मोशन होती है। और रैंडम मोशन होने के कारण इनका जो एवरेज आता है वो जीरो आता है, और जब इनका एवरेज जीरो आता है वेलोसिटी का, तो उसी कारण से ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होने के बावजूद भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। कोई भी आपसे पूछ ले कि क्या इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको जवाब देना यस। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है? यस। तो फिर मोशन में है तो इसमें करंट पास क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि ये जो मोशन है वो इरेगुलर है, इनकी जो वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी वो इरेगुलर है, जिसका एवरेज वैल्यू क्या आता है? जीरो। और जब एवरेज वैल्यू जीरो आता है तो कोई करंट पास नहीं होती है, फ्लो नहीं होती है विदाउट अप्लाइंग सोर्स। जब तक हम इस पर सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, इस कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये जो थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेट 10^6 मीटर पर सेकेंड होता है। ईच इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्डर ऑफ 10^6 मीटर पर सेकेंड। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन की 2.2 × 10^6 हो जाएगी, किसी इलेक्ट्रॉन की 1.2 × 10^6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, किसी इलेक्ट्रॉन की 5.1 × 10^6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए पर मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास थर्मल वेलोसिटी होती है, लेकिन एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी जीरो होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि सपोज करो U1, U2, U3 अगर थर्मल वेलोसिटीज है, वेक्टर U1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, वेक्टर U2 सेकंड इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, वेक्टर U3 थर्ड इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी, अगर ये आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज गिवन है, तो इन सब का जो एवरेज आता है, ये इस एवरेज को हम ये लिख सकते हैं बेटे, ये एवरेज ऑफ U ग्रेटर देन और लेस देन के बिटवीन हमने इसको रख लिया, ये जो एवरेज वेलोसिटी आती है बेटा ये जीरो आती है। क्यों? क्योंकि इनकी रैंडम मोशन हो रही है, इरेगुलर मोशन हो रही है। अगर ये रेगुलर मोशन होती, कंटिन्यू मोशन होती, रेगुलर होती, तो इसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आती, और जब तक एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आती तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती। तो इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये जब इसमें मोशन करते हैं तो कोलिजन करते रहते हैं, कोलिजन में ये टू सक्सेसिव कोलिजन जो होती है उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और फिर इनका पाथ चेंज हो जाता है। तो इसके बाद आपके पास एक डिस्क्राइब टॉपिक आएगा हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।